हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे थलापति विजय की मूवी मास्टर को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर इस मूवी का हिंदी वर्जन आज ही थिएटर्स में रिलीज हुआ है और तमिल वर्जन कल ही रिलीज हो गया था। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी जेडी की, जिसको प्ले करा है थलापति विजय ने। जेडी जो कि एक कॉलेज का प्रोफेसर है और उसके पढ़ाने का तरीका काफी रेडिकल है और वो हमेशा दारू पी के पढ़ा रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उसका सामना होता है लॉरी माफिया से, जिसका बॉस है भवानी, जिसको प्ले करा है विजय सेतुपति ने। लॉरी माफिया का काम ये रहता है कि वो बच्चों से गैर कानूनी काम करवाता है। तो किस तरह से भवानी और जेडी में टक्कर होती है और इस टक्कर में कौन जीतेगा, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मूवी को थिएटर्स में ही देखना, क्योंकि इस मूवी को घर पर मोबाइल या लैपटॉप पर देखने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा बेसिक है। इस तरह की कहानी का हमें एंड पता होता है और जो मेजर ट्विस्ट होते हैं वो भी हम बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो इस मूवी की असली जान है वो है विजय सेतुपति और थलापति विजय। मतलब डायरेक्टर ने क्या कमाल का यूज किया है इन दोनों का, क्योंकि अगर आप बहुत टेक्निकली देखोगे तो इन दोनों के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप ये मूवी देखोगे सच में आप खो जाओगे, क्योंकि ये कंप्लीट मसाला मूवी है जिसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है और आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि ये बात आपको इस मूवी के पहले शॉट से ही पता चल जाएगी। लेकिन जिस तरह की मूवी का थिएटर्स ओनर वेट कर रहे थे, ये मूवी उसी तरह की है। ये कंप्लीटली फैमिली मूवी है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ या फिर अपने दोस्त यारों के साथ जाकर देख सकते हो। आप इंजॉय करोगे क्योंकि इस मूवी में आपको हंसी भी आएगी और अगर आपका दिल कच्चा है तो शायद आप इमोशनल भी हो जाओगे। और उसके ऊपर से क्या कमाल का काम किया विजय सेतुपति और थलापति विजय ने, सच में मजा आ गया। मतलब इन दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज्यादा धासु थी कि सारे पैसे तो वहीं वसूल हो गए थे। और यहाँ इस मूवी के डायरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं किया कि ये मूवी क्रिटिक्स को पसंद आए। उन्होंने ये मूवी आम लोगों के लिए बनाई है, विजय सेतुपति और थलापति विजय के फैंस के लिए बनाई है। और जिस तरह की मूवी हम इन दोनों से एक्सपेक्ट करते हैं ये मूवी पूरी उसी तरह की है, यानी वही एक्शन, पंच लाइंस, ओवर द टॉप एक्टिंग और वही स्वैग। लेकिन हाँ, इस मूवी की एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इस मूवी को देखते वक्त ज्यादा दिमाग मत लगाना और ज्यादा लॉजिकली भी मत सोचना, क्योंकि ये मूवी इन चीजों के लिए बनाई ही नहीं गई है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है और मैं चाहूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखें और थिएटर्स में ही जाकर देखें। और अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।